केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च करके रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। युवाओं के लिए सरकार की इस पहल पर एक तरफ जहां जमकर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार का रोजगार वाला अग्निपथ विरोध की आंधी के साए में आ चुका है। अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में आगजनी पत्थरबाजी की जा रही है। आखिर क्यों हो रहा है सरकार की स्कीम का विरोध, देखिए इस रिपोर्ट में। अग्निपथ की आग में जलता बिहार, बेरोजगारी के खिलाफ सरकार तैयार। अग्निपथ से निकली विरोध की लपटें। शहर शहर अग्निपथ को लेकर कहर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 शहरों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में विरोध की ज्वाला किस कदर भड़की है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदर्शन की चिंगारी ने आखिर क्यों इतना भयानक रूप लिया है और क्यों आज बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य अग्नि कुंड बने नजर आ रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आप इसके पीछे की पूरी कहानी को समझ लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें 4 साल तक देश सेवा का मौका भी दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अब 10वीं और 12वीं पास युवाओं को सेना के 3 अंगों जल सेना, थल सेना और नौ सेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल तक पेशेवर सैनिक के रूप में सेवा देने का मौका मिलेगा। कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी, जिसमें अग्निवीर स्थायी होने के लिए आवेदन देंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवानिधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। बस स्कीम की यही बात विरोध की लपटों में झुलस गई और नतीजा आज आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले दिन ही यानी बुधवार को अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। अग्निपथ के विरोध की भभकती आग सबसे ज्यादा बिहार में नजर आई। बक्सर में पहले दिन के बाद दूसरे दिन भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के किला मैदान से निकलकर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करते हुए बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर डाला और जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। युवाओं का साफ तौर पर आरोप है
कि सेना बहाली में सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत है, जिसके कारण सेना में जाकर देश की सेवा करने वाले हम जैसे युवाओं का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। बहाली पुरानी प्रक्रिया जैसे थी इंडियन आर्मी की, उसी तरह चालू किया जाए। चार साल का कोई पांच साल दौड़ के चार साल ड्यूटी करने नहीं जाएगा, अब पेंशन भी नहीं है। ये सब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ये चार साल में क्या होगा? विधायक को पेंशन मिलता है, एक दिन जितना है, हम लोग का पेंशन खत्म, ये नहीं होगा। बोलिए भारत माता की। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। मोदी जी बोल दिया आपको। सर ये टीओडी जो है हम लोग चाहते हैं वापस हो। हमारी जो सर एज थी पहले 23 साल, वो सर घटा के 21 साल कर दी गई है। वो सर हम लोग को वापस चाहिए। सर लास्ट एज सर लड़का का बच्चा हुआ है, एग्जाम भी जो पहले लगा था सर, जो जिसका मेडिकल फिजिकल सब हो चुका था, उसको भी सर कैंसिल कर दिया। कुछ यही नजारा मुंगेर में भी नजर आया, जहां सड़कों पर टायर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं के प्रदर्शन से कई घंटे तक सड़कें भी जाम रही। तो वहीं युवाओं ने मुजफ्फरपुर के मांडीपुर में भी आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी युवाओं ने जमकर बवाल मचाया। शॉर्ट टर्म सैनिक योजना अग्निपथ के विरोध में धीरे धीरे बिहार के युवा सुलगते जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की ज्वाला सड़कों पर सब कुछ तहस नहस करती नजर आ रही है। सहरसा हो, नवादा हो, छपरा हो या फिर कोई दूसरा शहर, हर तरफ सिर्फ छात्रों का हल्ला बोल है। और इस हल्ला बोल का नतीजा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर सड़कों पर उतर गए और हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। यूपी के एक और शहर बुलंदशहर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन लोगों ने किया। सड़कों पर उतरे युवाओं और पुलिस के बीच लगातार झड़प नजर आई। आगजनी, बसों और गाड़ियों की तोड़फोड़, रेलवे स्टेशन जाम और पथराव। अग्निपथ स्कीम को लेकर उग्र प्रदर्शन की आग थम नहीं रही है और युवाओं का सरकार के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देख रहे हैं सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर ये किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर स्कीम में ऐसा क्या है जो अब इसके विरोध की आग पूरे देश में फैल गई है? आखिर क्या है अग्निपथ स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली अग्निपथ योजना को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने हरी झंडी दे दी है। मंगलवार को हुई CCS की मीटिंग के फैसले को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव सहित सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने मीडिया के सामने पेश किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अगले 90 दिनों में देश के अग्निवीरों की भर्तियां सेना में शुरू हो जाएंगी। अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक के बीच होनी जरूरी होगी। युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड समेत कुल 4 वर्षों के लिए आर्म्ड सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। भर्ती सेना के तय नियमानुसार ही होगी। 4 साल के लिए 46,000 से अधिक अग्निशामकों की भर्ती होगी।
17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के युवाओं को सशस्त्र बल सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में शामिल किया जाएगा। इस साल 46,000 से अधिक अग्निशामकों की भर्ती की जाएगी। तो वहीं अग्निवीरों को 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा। उन्हें इस अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा। ईपीएफ पीपीएफ की सुविधा के साथ अग्निवीरों को पहले साल 4.76 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं चौथे साल में वेतन 40,000 यानी सालाना 6.92 लाख रुपए होगा। चार साल के कार्यकाल पर लगभग 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में कम से कम 15 सालों की अवधि के लिए नियमित संवर्ग के रूप में नामांकित भी किया जाएगा। अग्निशामकों को बाहर निकलने पर सेवानिधि पैकेज के रूप में 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो आयकर से मुक्त होंगे। हालांकि कोई ग्रेच्युटी या पेंशनरी लाभ इसमें नहीं मिलेगा। थल सेना और नौसेना में महिलाओं को भी अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा। देश की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाएंगी। वहीं 4 साल की सेवा के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा, साथ ही नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा। सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही अग्निवीर की बची हुई सेवा की सैलरी भी परिवार को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अग्निपथ योजना में क्या है आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। चयनित युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 वर्षों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। और अग्निपथ स्कीम से जुड़े हुए जो भ्रम हैं, वो भी आप समझिए। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तथ्य ये है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मिलेंगे मौके। उद्यमी बनने वालों को वित्तीय मदद दी जाएगी। एक भ्रम ये भी है कि अग्निपथ से युवाओं के अवसर कम होंगे, लेकिन तथ्य यह है कि सशस्त्र बलों में सेवा का अवसर बढ़ेगा। सशस्त्र बलों में तिगुनी होगी भर्ती। एक और भ्रम यह है कि रेजिमेंटल बॉन्डिंग प्रभावित होगी, जबकि तथ्य यह है कि रेजिमेंटल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। सशस्त्र बलों का प्रभाव कम होगा, एक ये भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि कई देशों में शॉर्ट सर्विस भर्ती सिस्टम है। 4 साल बाद अग्निवीरों के प्रदर्शन का परीक्षण होगा। 21 साल का सैनिक अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार होता है, एक ये भी भ्रम फैलाने की कोशिश है। लेकिन तथ्य क्या है? दुनिया भर में सेनाएं युवाओं पर निर्भर करती है। प्रेजेंटिंग पी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।